राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोबाइल पे जो होम स्क्रीन के डिस्प्ले पे जो ऐड आता रहता है उसको कैसे हटाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग को क्लिक कर लेना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी का जो ऑप्शन आएगा उस वाले को क्लिक कर देना है। ठीक है, प्राइवेसी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, परमिशन और प्राइवेसी। तो फिर से यहाँ पे प्राइवेसी वाले में चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्स का ऑप्शन आएगा, तो एड्स वाले में चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं रीसेट और डिलीट दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाले को रीसेट कर देना है। ठीक है, कन्फर्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है, रीसेट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, देख सकते हैं डिलीट हो गया। और यहाँ से इतना करने के बाद एक सेटिंग और करना है, इसको बैक कर लेते हैं। इसके बाद चले जाना है क्रोम में। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्रोम, आपको भी क्रोम में चले जाना है। इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद क्रोम में जो थ्री विंडो वाले ऑप्शन होगा उसको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थ्री विंडो वाला है, इसको क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन आएगा उस वाले पे चले जाना है। ये रहा सेटिंग, सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह से, और ये साइट सेटिंग का जो ऑप्शन आप दिख रहा इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर कुकीज़ का जो ऑप्शन दिख रहा है ये, तो कुकीज़ वाले को क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लॉक ऑल कुकीज़ को क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद हमारा जो मोबाइल स्क्रीन रहेगा उस पर ऐड आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब भी इस तरह से सेटिंग कीजिए और ऐड को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।